दिस वीडियो इज नॉट इंटेंडेड फॉर किड्स, इट्स इंटेंडेड फॉर वाइड कलेक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस एक और अमेजिंग से वीडियो के साथ, और आप देख सकते हो हमारे पास काफी सारे स्पार्किंग भी हैं, और मेनली जो हमारे पास यहाँ पे है गाइस वो है अपना लूसीफर दी एंड। तो यस गाइस, हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं लूसीफर दी एंड का स्पिन स्टील चैलेंज, क्योंकि गाइस आपने बोला था कि स्पिन स्टील चैलेंज करो और वही करने आज हम यहाँ पे आ गए हैं। तो गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली मैं लूसीफर दी एंड को रख दूंगा सेंटर पे और लॉन्च करूंगा एक एक करके सारे बेबलेट्स, देखते हैं कितने बेबलेट्स स्पिन स्टील करके जीत पाता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबसे जीतेगा। तो गाइस पांच बेबलेट है, अभी मैं पांचों को स्टेडियम से बाहर कर देता हूँ और लूसीफर को गाइस मैं सेंटर में रख दिया है। तो चलो गाइस फटाक से स्टार्ट करते हैं। पहला बे गाइस मैं यूज करने वाला हूँ मिराज फेफनेर, जो कि स्पिन स्टील किंग है। तो देखते हैं गाइस क्या मिराज फेफनेर के आगे लूसीफर दी एंड की चलेगी या नहीं। तो गाइस करते हैं लेट इट प्ले। और गाइस लूसीफर दी एंड ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है, और पता नहीं कैसे लिमिट ब्रेकर भी एक्टिवेट हो गया है। अच्छी स्पीड नहीं है बट सेटिस्फैक्ट्री है, देखते हैं क्या विन मिलेगी कि नहीं। और गाइस क्या क्लियर विन है, मज़ा आ गया सच में भाई, ऐसे ही एंड ब्रिंगर नहीं बोलते हैं, अंत तक चलता है ये। तो यस गाइस पहला विन लूसीफर दी एंड को, गजब की बात है। नेक्स्ट गाइस करते हैं हीलियोस वॉल्केनो के साथ, मैं इसका भी लिमिट ब्रेकर सेट कर देता हूँ। यस तो चलो गाइस हीलियोस वॉल्केनो को भी लॉन्च करता हूँ, देखते हैं क्या इससे जीत पाएगा। लेट इट ट्रिप। और गाइस अभी तक कोई स्पिन स्टील नहीं किया है, देखते हैं क्या थोड़ा भी स्पीड गेन होगा कि नहीं। और अनफॉर्चुनेटली कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिला, जीत मान सकते हैं बट इसे मैं सक्सेसफुल नहीं बोलूंगा। तो दूसरा प्रयास हो गया सफल, एक बार और मैं वॉल्केनो से ट्राई करूंगा कि काश जीत जाए, बाकी नहीं होता है तो गाइस आगे बढ़ जाएंगे। चलो गाइस करते हैं। आई थिंक हीलियोस वॉल्केनो के गाइस कॉन्टेक्ट पॉइंट थोड़े से अलग टाइप के हैं, तो दूसरा स्पिन स्टील होता है फेल। तो यस ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा कि लूसीफर दी एंड हर बेबलेट से स्पिन स्टील नहीं कर सकता है, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट मैच करना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि इस केस में नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं गाइस, अगला बे होगा रेज, तो रेज से मुझे लगता है करेगा गाइस और जीतेगा भी। तो चलो देखते हैं गाइस, और अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, देखते हैं गाइस। और ये कुछ अब आया है मज़ा, और गाइस अब लूसीफर अपनी स्पीड पे आया है, देखते हैं जीतेगा, और जीत गया। क्या बात है क्या बात है, एक बार और ट्राई करेंगे, अच्छा लगा मुझे ये। स्टार्टिंग में तो रेज ने काफ़ी धुलाई की थी, मुझे लगा था काम नहीं बनेगा बट बन गया था गाइस। और ये कैसे चक्कर कटवा रहा है गाइस रेज, और ये पकड़ी गाइस स्पीड, क्या बात है क्या बात है, मजा आ गया मजा आ गया। तो यस गाइस ये स्पिन स्टील काफी अच्छा लगता है मुझे इसका, और अब बारी है गाइस कुछ राइट स्पिनिंग बेस की, तो लेफ्ट वाले हो गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड स्प्रिगन से, मुझे लगता है ये भी बड़ी आसानी से कर लेगा गाइस। और इधर भी गाइस थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, बट मुझे लगा था वर्ल्ड स्प्रिगन से तो करना चाहिए। चलो देखते हैं करता है कि नहीं, अभी फ़िलहाल कुछ थोड़ा सा कुछ हुआ है गाइस, मज़ा नहीं आया, लेकिन मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, जीत गया होगा कुछ भी है बट मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। एक और ट्राई मारेंगे, नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट वे पे आते हैं गाइस। चलो गाइस करते हैं। वाह क्या परफॉर्मेंस है गाइस वर्ड्स वीगन का। हाँ अब गाइस इसने लिया है, इस बार है बहुत अच्छे से नहीं है बट है गाइस कुछ तो हो रहा है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और स्पिन स्टील के बाद भी हार गया, तो ये भी फेलियर हो गया मेरे हिसाब से, हर बार इसका स्पिन स्टील नहीं काम करता है। हाँ बट मैच में अगर किसी लेफ्ट स्पिन के आगे यूज़ कर रहे हो तो इसका स्पिन स्टील काफ़ी ज़्यादा काम करता है, तो मैं बोलूँगा लगभग 50% टाइम्स का स्पिन स्टील रियल लाइफ में बहुत अच्छे से काम करता है। 50% टाइप मतलब ठीक है, 50-50 वाला सीन है। और गाइस अब देखते हैं ब्रेव वैल्करी के अगेंस्ट, और ये तो कुछ अलग ही हो गया यार। और एक्चुअली में जो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाले वीडियोस होते हैं ना, वो यही होते हैं कि मतलब जो आप लोग वीडियोस में लोगों को देखते हो कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट जो आप खुद करने चलते हो होता ही नहीं है, तो वही हो रहा है मेरे साथ। और ख़राब बात यह है कि हमने स्टेडियम भी ऐसा लिया जिसमें ये सारी चीज़ें कमी होती हैं। ओवरऑल गाइस
फिलहाल ये वाला मैच तो मिल गया है, एक बार और ट्राई करेंगे। पता नहीं, मुझे लगता है लिमिट ब्रेकर के साथ स्पिन स्टील ज़्यादा बेटर करता है, आई डोंट नो, मैं गेस कर रहा हूँ। वाह, इस बार भी काफ़ी अच्छा गाइस, काफ़ी अच्छा लिमिट ब्रेकर एक्टिवेट हो गया है वैसे भी, तो मुझे लगता है लिमिट ब्रेकर के साथ स्पिन स्टील ज़्यादा अच्छा होता है। और जीत गया, वाह क्या बात है। तो यस गाइस, यही था लूसीफर दी एंड का स्पिन स्टील। वैसे मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जब आप टूर्नामेंट करते हो तो टूर्नामेंट में आप ऐसे बेस बीच में नहीं रख सकते हो, दैट इज़ नॉट अलाउड, आपको बे लॉन्च करना पड़ेगा। और ये एक राइट स्पिनिंग बे है तो राइट स्पिन में ही लॉन्च होता है, आप इसे लेफ्ट स्पिन लॉन्च कर भी नहीं सकते हो। तो लेफ्ट स्पिन के अगेंस्ट गाइस ये बे नहीं हारेगा, बट राइट स्पिन के अगेंस्ट ये वर्क नहीं करेगा। तो आपको मैं डेमो के लिए लेफ्ट स्पिन के साथ बैटल दिखा देता हूँ गाइस। ये रहा रेज, ये रहा लूसीफर दी एंड, तो थोड़ा सा घूमता होता है तो इसको काफी ज्यादा फायदा होता है स्पिन स्टील का। चलो मैं दिखाता हूँ डेमो। अब गाइस ये देखिएगा, बिना किसी टेंशन के ये बे आराम से ये मैच जीत जाएगा। और मैं इसका एक रीज़न बता दूं गाइस, इसमें लूसीफर दी एंड की स्किल कम है, ड्रिफ्ट का फ़ायदा ज़्यादा है। तो एक्चुअली में क्रेडिट इसके ड्राइवर को मिलना चाहिए, अगर यही ड्राइवर आप मिराज फैफनेर या वैनिश फैफनेर किसी भी फैफनेर में लगा दोगे तो वो भी ऐसा ही स्पिन स्टील करेगा, इवन इससे बेटर ही कर सकता है। तो यस गाइस, आप वैनिश वगैरह में यूज़ करोगे आप आसानी से किसी भी राइट स्पिन बे को हरा सकते हो। और गाइस आपके लिए मैं इसका एक बैटल राइट स्पिन बे से भी करा के दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि राइट स्पिन के अगेंस्ट ये वर्क नहीं करता है, राइट स्पिन के अगेंस्ट ये हार और जाता है गाइस, क्योंकि इसका स्टैमिना ड्रिफ्ट की वजह से गाइस बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप देखिएगा कैसे कितनी आसानी से एक अटैक टाइप बे इसको हरा देगा, कितनी आसानी से गाइस, कितनी आसानी से। तो यस गाइस, यही अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं लूसीफर दी एंड की। स्पिन स्टील तो काफ़ी अच्छा करता है, लेफ्ट स्पिन बे को हरा देगा, बट राइट स्पिन बे कहेंगे इस नहीं चलेगा। तो यस गाइस, यही था आज का वीडियो, आप लोगों ने बोला था स्पिन स्टील करो, हमने कर दिया। तो आप अपना काम याद रखिएगा, क्या इस चैनल को करना है सब्सक्राइब। और गाइस मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और हैप्पी ब्लेडिंग।